देश की जनता बॉलीवुड को गाली दे देकर परेशान है, लेकिन बॉलीवुड में कुछ लोग हैं जो अब भी पार्टीज कर रहे हैं, जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग अब बॉलीवुड की फिल्मों को या बॉलीवुड के लोगों को देखना नहीं चाहते। कल करण जौहर के घर पर एक पार्टी होने की खबर है, जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि बॉलीवुड वाइव्स की सक्सेस को सेलिब्रेट किया गया और बॉलीवुड वाइव्स में काम करने वाली बहुत से चेहरे उस पार्टी में दिखाई दिए। अब सवाल ये उठता है कि वो बॉलीवुड जो जनता के दम पर चलता है, जो इस वजह से चलता है क्योंकि उसे देश की जनता देखती थी अब तक, अब वही जनता उस बॉलीवुड से नाराज है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो बॉलीवुड को इसकी फिक्र ही नहीं है। उनको अब भी लगता है कि यह सब एक टेम्पररी फेज है जो जल्द ही ओवर हो जाएगा। वो बात अलग है कि देश की जनता अपने मन में ठान चुकी है कि वो बॉलीवुड को सबक सिखा कर रहेगी, लेकिन एक होता है एटीट्यूड अप्रोच। जो एटीट्यूड और अप्रोच दिखाई दे रहा है बॉलीवुड का, वो अब तक यही है कि उन्हें मानो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उन्हें देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन वो अब भी पार्टी कर रहे हैं, अब भी इंजॉय कर रहे हैं और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बीच से आज से 6 महीने पहले एक व्यक्ति था, सुशांत सिंह राजपूत, जो अचानक कहीं चला गया, जिसकी जांच का काम अभी तक चल रहा है। लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड को कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉलीवुड पार्टी कर रहा है। एक तरह से आप लोगों के लिए भी एक इनडायरेक्ट मैसेज है कि आप भी अपने काम में मशगूल रहिए, क्योंकि बॉलीवुड को अब आपकी फिक्र नहीं है। बॉलीवुड अब ये भूल चुका है कि जनता उसे गालियां दे रही है या जनता उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि वहां पर रेगुलर पार्टीज का मामला जैसे पहले चला करता था, वो फिर से शुरू हो गया है। इसलिए ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अब आप भी अपने काम में मशगूल रहिए और अब आप बॉलीवुड को इस तरह से कोसना छोड़ दीजिए। ये एक इनडायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि अगर आपकी इंडस्ट्री और आपकी फ्रेटर्निटी को इतनी बुरी तरह लताड़ा जा रहा हो और उसके बाद भी आप पार्टी करते रहें, तो बताइए फिर आपका ये जो एटीट्यूड है ये क्या बताता है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।